नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाले दुबे के नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी के हीटिंग इश्यूज के वजह से कि जो गाड़ी का जब गाड़ी ओवर हीट होती है तो क्या मेजर कारण हो सकता है, एंड अगर आपके पास मैकेनिक उस वक्त अवेलेबल ना हो या बोलते ना कि क्या आप उस वक्त इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 इंसिडेंट हो चुके थे जिसमें 2 में पर्सनली मेरे सामने हुए और एक मेरे भाई के साथ हुआ था, तो तीनों के बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगा और आपको मैं इंजन खोल के बताऊंगा अभी कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। बोनट खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले एक इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ ही, मेरी हुंडई एलांट्रा थी और ये तकरीबन कुछ 7-8 साल पहले हुआ था। तो कह रहा कि गाड़ी कहीं ना कहीं पानी का जो बोलते हैं ना, एक 2 फीट पानी में से निकल के बाहर आई थी, तो कहीं ना कहीं उसका शायद कोई सेंसर वगैरह पानी में गीला होने की वजह से या बोलते ना पानी टच होने की वजह से वो सेंसर मैलफंक्शन कर रहा था। तो उस मैलफंक्शन में मैंने गाड़ी कुछ ज़्यादा ही चला ली थी, एक 20-25 किलोमीटर। तो मेरा क्या हो गया, मेरा इंजन सीज हो गया, बिकॉज गाड़ी जब आपकी हीट करती है, देखिए बहुत सारी गाड़ियों में, पहले आपको मैं बेसिक समझाता हूँ कि गाड़ियों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे दिखता है। अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको हीटिंग का गेज रहता है। तो जो इंजन हीटिंग का गेज रहता है वो पेट्रोल में आप देखोगे तो पेट्रोल में कैसा होता है कि पेट्रोल का आपका जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे 1 से 1.5 मिनट में वो हीटिंग का गेज आपका आधे पे आ जाएगा। तो पेट्रोल गाड़ियां ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है इसके लिए वो आधे पे आ जाता है। डीजल गाड़ियों को 15-20-25 मिनट लगता है गर्म होने के लिए, इसके लिए उनका हीटिंग गेज का जो टेम्परेचर रहता है हमेशा कम रहता है या बहुत होता है मैक्स टू मैक्स आधा आता है। तो कभी चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, जब भी आपका वो हीटिंग गेज आधे से ज्यादा, जो मीटर है वो आधे से ज्यादा अगर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका इंजन एक्सेसिवली हीट हो रहा है। उस टाइम पे आपको ये करना है कि गाड़ी साइड में लगा के आपको गाड़ी को ठंडा होने देना है और आपको क्या क्या चेक करना है मैं वो बताऊंगा। तो अगर आपकी गाड़ी में पहले आपको देखना है कि गाड़ी का फैन चालू है कि नहीं है, गाड़ी पहले आप 10-15 मिनट रुक जाइए, पहले आप 15-20 मिनट रुकने के बाद गाड़ी का इंजन जब ठंडा हो जाएगा तब जाके देखिए कि कूलेंट का लेवल क्या है। अगर कूलेंट बहुत ज्यादा कम है या कूलेंट ड्राई हो चुका है या कूलेंट लीक है तो उसे आप टॉपअप करिए। टॉपअप करने के बाद गाड़ी वापस से स्टार्ट कीजिए, 2-3 मिनट रन कीजिए और फिर चेक कीजिए कि टॉपअप करने के बाद वो लेवल ज्यादा कम हुआ है या कम हुआ है। तो अगर ज्यादा कम हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं कूलेंट आपका लीकेज है और आपको कूलेंट का वो लीकेज चेक करना है या क्या हुआ है वो मैकेनिक को दिखाना है। अगर आप कहीं दूर हैं, मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, तो आप कूलेंट टॉपअप करते करते वो टेम्परेचर पे आपको ध्यान रखना है, वो टेम्परेचर आपका बीच में ही रहना चाहिए। वो चेक करते करते आप अपना 10-20-50 किलोमीटर आप आराम से जा सकते हैं, बिकॉज सिर्फ कूलेंट आपको टॉपअप ही करना रहेगा बीच बीच में। अगर कूलेंट का लेवल बराबर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, तब आपको देखना है कि फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब गाड़ी आप चालू करेंगे और 1 से 2 मिनट आप वेट कीजिए, एसी भी चालू रखिएगा उस टाइम पे, तो आप देखेंगे कि इंजन गर्म होने की वजह से फैन चालू हो जाता है। 1.5-2 मिनट के अंदर फैन वो चलना ही चलना है। अगर वो फैन वर्किंग में नहीं है इसका मतलब ये होता है कि वो फैन का इशू है। तो आपको देखना है कि फैन का बेयरिंग गया हुआ है या वायरिंग गया हुआ है, तो वो आपका सब मैकेनिक देख सकता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये होता है कि अगर फैन का कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे रेक्टिफाई किए बिना गाड़ी को ज्यादा दूर तक नहीं चला सकते, बिकॉज 2 या 3 मिनट में आपकी गाड़ी वापस से ओवरहीट हो जाएगी। तो जो नजदीकी मैकेनिक रहेगा या आपके मैकेनिक को आपके गाड़ी के पास ही आना पड़ेगा, आप ज्यादा दूर उसको चला नहीं सकते। अगर फैन बंद है तो आप उस केस में गाड़ी ज्यादा नहीं चलाइए। मैंने वो गलती की थी, मैंने गाड़ी को ज्यादा चला दी उस फैन बंद होने की वजह से, मुझे लगा शायद गाड़ी चल जाए, उसकी वजह से मेरा 2 पिस्टन बेंड हो चुका था और मेरी गाड़ी सीज हो चुकी थी, इंजन सीज हो चुका था। सेम मेरे भाई के साथ सिविक में हो गया था। सिविक में उनका हीटिंग गेज बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिखा रहा था और उन्होंने उस कंडीशन में गाड़ी को ज्यादा ही चला ली, 10 किलोमीटर चला ली और उसमें ये होगा कि उनका भी इंजन का काम निकल गया था। और तीसरा इंसिडेंट मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था, मेरे फोर्ड फीगो में इसका फैन बंद हो गया था, बट पुराना एक्सपीरियंस मेरा था कि इंजन हीटिंग की वजह से दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत क्या है कि फोर्ड फिगो में या बहुत सारे, देखिए आपको मैंने बोला कि हीटिंग गेज होता है, बहुत सारे हैचबैक में और बहुत सारी गाड़ियों में आपके हीटिंग गेज नहीं होते। तो जब हीटिंग गेज नहीं होता तो आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि एक वार्निंग लाइट जलती है, जैसी वो वार्निंग लाइट जलेगी आपको गाड़ी साइड में लगाना है, बिकॉज हीटिंग गेज में एटलीस्ट आपको वो टेम्परेचर जब तक मैक्स पे नहीं आता, आधे से ऊपर आके जब तक वो मैक्स टच नहीं करता थोड़ा बहुत गाड़ी चला सकते। बट जिन गाड़ियों में हीटिंग गेज नहीं है, वो सिर्फ वो आपका सेंसर का जो बोलते हैं ना एक एरर सिंबल है, वो एरर जैसे ही आता है इसका मतलब गाड़ी ऑलरेडी मैक्सिमम हीट पे आ चुकी है, आपको गाड़ी तुरंत साइड में लगाना है और जब तक वो सिंबल नहीं जाता आप गाड़ी को स्टार्ट मत करिएगा। चलिए अब मैं आपको अभी बोनट खोल के दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपका रेडिएटर फैन कैसे देखना है और कूलेंट कैसे देखना है। तो जब देखिए अभी मैंने इंजन बंद कर दिया है तो आपको क्लियरली सुनाई देगा। तो देखिए फैन जैसे बंद है, तो अगर आप गाड़ी का इंजन चालू करके आप चेक करेंगे कि अगर फैन नहीं चल रहा है, 2 से 3 मिनट हो गया और इंजन गर्म होने के बाद भी अगर वो फैन नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये फैन का इशू है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली ये हो सकता है कि ये फैन का जो देखिए यहाँ पे कनेक्शन है वो चेक करना है, या तो आपको देखना है कि क्या इशू रहेगा, क्यों चल नहीं रहा है। तो अगर आपको देखना है कनेक्शन बराबर है, सब बराबर है, तो हो सकता है कि फैन का बेयरिंग खराब हो या फैन ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो मैकेनिक आके आपका ये काम या तो ये रिपेयर
करेगा या तो इसे रिप्लेस करेगा। तो ये आपका मैटर, ये आपका चीज़ें सॉल्व कर सकता है। एक फ़ैन की वजह से आपका हीटिंग इशू सॉल्व हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि आपका फ़ैन वर्किंग होता है और यहाँ पे कूलेंट नहीं रहता, तो आपको चेक करना है कूलेंट है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कूलेंट है गाड़ी में, तो अगर ये कूलेंट पूरा लो पे या मिनिमम पे आया रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कूलेंट कहीं ना कहीं से या तो बोलते हैं ना गाड़ी का सूख गया रहेगा या तो कहीं ना कहीं लीकेज रहेगा जिसकी वजह से आपका कूलेंट यहाँ पे है नहीं। तो कूलेंट नहीं रहेगा तो आपको कूलेंट रिफिल करना है। रिफिल करके फिर से आपको गाड़ी 2-3 मिनट चला के देखना है कि कूलेंट कहीं से लीक तो नहीं है, क्योंकि अगर कूलेंट वापस यहाँ पे रिफिल होके आ रहा है डालने के बाद पानी, जब पानी आप मोस्टली आप पानी ट्राई कीजिए, कूलेंट नहीं पानी डाल के देखिएगा, अगर वापस से फिल हो रहा है कहीं से, अगर कहीं पे लीकेज नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आपका बोलते हैं ना कोई मेजर इशू रहेगा जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले आपको कूलेंट चेक करना है कि कूलेंट बराबर लेवल पे है कि नहीं, कम है तो आपको रिफिल करके फिर से 2-5 मिनट गाड़ी चला के देखनी है कि 2-5 मिनट इंजन चालू रखे कि कूलेंट फिर से रिफिल हो रहा है, मतलब बोलते हैं ना सर्कुलेट होकर इंजन से वापस आके यहाँ पे रिजर्वॉर में है कि नहीं। अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का हीटिंग इशू हो रहा है। ये कूलेंट का हो गया। और फैन का ऐसा है कि फैन नहीं चल रहा है तो आप कूलेंट कितना भी चेंज कीजिए सब बराबर रहेगा, लेकिन फैन आपका जब कूलिंग बोलते हैं ना हीट को नहीं निकालेगा तो आपको दिक्कत ये हो सकती है कि फिर बाद में आपका हीटिंग वो चालू ही रहेगा और गाड़ी आप मैक्स टू मैक्स 2-3 मिनट ही चला पाएंगे, उसके ऊपर आप नहीं चला सकते। कूलेंट के साथ दिक्कत ये है, कूलेंट के साथ एक फायदा ये रहता है कि अगर मान लो कूलेंट कहीं से लीकेज है या कूलेंट का प्रॉब्लम है तो भी आप बार बार इसको टॉप अप करके गाड़ी चला सकते हैं। जैसे आपका मैकेनिक 10 या 15 या 20 किलोमीटर भी रहेगा तो आप कूलेंट टॉप अप करते रहिए, चेक करते रहिए टेम्परेचर ज़्यादा ना हो गाड़ी का, तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा है आप जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो गया आप वापस कूलेंट भरिए और गाड़ी आप एक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पुश कर सकते हैं कूलेंट भर के। पर अगर फ़ैन ख़राब हुआ आपका तो फैन खराब होने की वजह से आप गाड़ी को हद्दी हद्दा 2 या 3 मिनट के ऊपर नहीं चला सकते, बिकॉज 2-3 मिनट में इंजन आपका हीट हो जाएगा और उसको कूलिंग करने के लिए फिर से आपको 20 मिनट से आधा घंटा रुकना पड़ेगा जब तक इंजन आपका कूल ना हो। और इंजन हीट पे आप गाड़ी ज़्यादा चलाएंगे तो आपका वही आपको जो मैंने बताया वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंजन चालू है और ये रहा रेडिएटर फैन। देखिए ये फैन चालू है यहाँ पे, ऊपर दिखाता हूँ, देखिए ये फ़ैन वर्किंग है तो ये फ़ैन चलना चाहिए। जब गाड़ी आप एक 2-3 मिनट चालू रखते हैं और एसी चालू रखते हैं तो फ़ैन ऐसे रोटेशन में चलता है। तो यहाँ पे फ़ैन आपका प्लेस्ड है और यहाँ पे आप देखेंगे तो कूलेंट किसी किसी गाड़ी का कूलेंट थोड़ा यहाँ रहेगा, आगे पीछे होगा, तो यहाँ पे मोस्टली कूलेंट आपका यहाँ पे प्लेस होता है, किसी का यहाँ पे आपका स्लाइड रहेगा, बट कूलेंट इस प्रकार से आपका कूलेंट दिखेगा, कूलेंट का जो जगह है आपको देखना है कि कूलेंट प्रॉपर फिल होना चाहिए गाड़ी में। तो दोस्तों आपने देखा कि इंजन हीटिंग इश्यूज़ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीटिंग इश्यू से काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाती है, मेरी 3 गाड़ियों में दिक्कत आ चुकी थी, तीसरी गाड़ी तो मेरी सेफ हो गई बट बाकी 2 गाड़ियों में मेरा इंजन खुल चुका था। तो हीटिंग की वजह से आपका पिस्टन बंद हो सकता है, क्रैंकशाफ्ट की दिक्कत आ सकती है, इंजन सीज हो जाता है, आपके जो आपको शायद बोरिंग का बोलते ना इंजन का जो आपका डायमीटर होता है सिलेंडर्स का वो एक्सपैंड होकर आपको उसमें बोरिंग का काम, मतलब कुछ भी मेजर काम ही आता है और हीटिंग इश्यूज़ के आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये बेसिक देख लेंगे कि भाई आपका फैन खराब हो गया या कूलेंट का इशू है, ये बेसिक चीज आप देख लेंगे तो आपका मेजॉरिटी 70-80% केसेस में यही दो इशू होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि कुछ ज्यादा कुछ अलग इशू हुआ रहेगा जिसकी वजह से वो मैकेनिक सॉल्व कर पाएगा, बट ये दो इशू की वजह से आपकी 70-80% प्रॉब्लम गाड़ी में हीटिंग की आ जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा आप केयरफुली इसको ध्यान देंगे और रेक्टिफाई करने का ट्राई करेंगे तो शायद ये इशू आपका मैकेनिक 2-3 हज़ार में सॉल्व कर देगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। लीकेज का भी आपका एक 2-3 हज़ार मैक्स टू मैक्स खर्चे में नॉर्मल इंडियन गाड़ी या कोई भी चाहे हैचबैक हो या सेडान हो, अगर फैन का रेडिएटर का इशू फैन का इशू है या फैन का बेयरिंग का इशू है वो भी आपका 2-3 हज़ार के अंदर ही हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका सस्ते में काम निपट जाएगा, लेकिन अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे चल के आपका मेजर कुछ इंजन का काम निकलेगा जो आपका 30-40 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख तक भी जा सकता है आराम से। तो ये चीज़ें पर आपको ध्यान देना है। आपके पास कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कुछ और सवाल पूछना है, कुछ और टेक्निकलिटीज़ जाननी है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको कुछ और आपको गाइडेंस चाहिए रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कारवाले दुबीजी @gmail.com पे। तब तक के लिए कारवाले दुबीजी की तरफ से साइनिंग ऑफ।